वैसे जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये नहीं था कि मुझे लेकिन ठीक है, क्योंकि अहिंसा यही रूप है इसलिए वो कोई उस पर सबसे पहली बात तो ये है कि एक मनुष्य को आप कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे उसको उसकी व्याख्या करते हैं, मनुष्य होना क्या है? क्योंकि जो कुछ भी हमसे उम्मीद की जाती है वो मनुष्य होने के नाते की जाती है, तो मनुष्य होने का अर्थ क्या है? दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्योंकि दूसरे भी मनुष्य ही हैं, जितने भी लोगों के साथ हम रहते हैं समाज में जो कुछ है, और कोई अकेला रह नहीं सकता है, असंभव चीज है कि कोई आदमी अकेला रह जाए, तो इसलिए अन्य लोगों के साथ में, जिसे हम समाज कहते हैं, परिवार कहते हैं, रिश्तेदारियां कहते हैं, अन्य समाज है जो हमारे जैसे नहीं है उनके भी साथ हमें रहना होता है, उनके बिना भी हम नहीं रह सकते, तो उनके साथ हमारा व्यवहार मनुष्य जैसा हो के ना हो, सबसे पहली बात ये। तो मनुष्य होना क्या है? एक तो हम बायोलॉजिकली जैविक दृष्टि से हम मनुष्य हैं, इसका होमो सेपियन वगैरह क्या कहते हैं, लेकिन क्या इतना पर्याप्त है मनुष्य होने के लिए? बायोलॉजिकली तो हम एक स्पेसी हैं, जैसे कि पुराना माने का कुत्ता भी एक स्पेसी है, गधा भी एक स्पेसी है। मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा, हम क्योंकि सामान्य भाषा में उनका इस्तेमाल इन शब्दों का इस तरह से करते हैं, इसलिए मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी एक स्पेसी है। तो स्पेसी होने के नाते तो कोई फर्क नहीं। तो आप अपने को जब मनुष्य कहते हैं उनसे थोड़ा ये मान के हम उससे उच्च स्तर की जीवन के रूप हैं, तो उसको कैसे आप डिफाइन, कैसे आप उच्च स्तर के, क्यों आप उच्च स्तर के? तो एक धारणा ये बनती है, और मेरा ख्याल है स्वयं डार्विन तक ने इस बात को स्वीकार किया था कि जीवन जब मनुष्य के रूप में प्रस्तुत होता है, रूपांतरित होता है, विकसित होता है, तो उस समय कुछ नए सवाल पैदा होते हैं। अब वो नए सवाल ये पैदा होते हैं कि जैसे एथिक्स का सवाल है, ये मनुष्य के जीवन के मनुष्य रूप में आप और किसी प्राणी से एथिक्स की उम्मीद नहीं करते, तो ये बुनियादी रूप से मनुष्य को जो मनुष्य बनाने वाली चीज है, जिसे गांधी भी अपनी भाषा में कहते हैं और डार्विन जैसे वैज्ञानिक अपनी भाषा में कहते हैं, वो एक प्रकार से वो है कि मनुष्य बेसिकली एथिकल बीइंग होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। तो मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, जब तक वह उस नैतिकता को अर्जित नहीं करता है अपने जीवन में, उसको स्वयं अर्जित नहीं करता है, तब तक वह एक ऐसा प्राणी तो रहता है जो जैविक दृष्टि से आप उसको मनुष्य ह्यूमन स्पेसी वगैरह कह सकते हैं, लेकिन जैसे गालिब का शेर आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, तो ये जो आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना है, वो इंसान होना क्या है ये हमें देखने की जरूरत है। और इंसान होने के लिए फिर आपको क्या चीज अपने अंदर अर्जित करनी है, अपने जीवन में अर्जित करनी है, तब सवाल इस बात का उठता है कि नैतिक होना क्या है। ये प्रश्न उठ सकता है कि नैतिक होना क्या है और नैतिकता क्या होती है। कई समाजों में आप ये पाएंगे कि जिन्हें वो नैतिक धारणाएं मानते हैं उनमें और हम जिन्हें नैतिक धारणाएं मानते हैं उनमें फर्क होता है। वो ये समझते हैं कि हम जो करेंगे वो हमें ये बताया गया कि यही नैतिक है, उनके धर्म ने बताया, किसी व्यक्ति ने बताया जिसको फॉलो करते हैं उसने बताया कि ये नैतिक होना है, और हमारे को जो बताया गया कि ये नैतिक होना है। मैं जैसे आपको बहुत एक स्थूल उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ जो शादी विवाह इत्यादि होते हैं उसमें किससे रिश्ता कायम किया जाए शादी का, ये अलग अलग समाजों में अलग अलग है ना। इस्लाम में जिस तरह के रिश्ते कायम हो सकते हैं हम सोच ही नहीं सकते ऐसा संभव हो सकता है। इवन दक्षिण के हिंदुओं में जिस तरह के रिश्ते कायम होते हैं वैसे हम नहीं सोचते कि हो सकते हैं, क्या मामा का भांजी से विवाह हो सकता है? दिमाग ही में नहीं आ सकता, सोच ही नहीं। तो हमें कहेंगे ये अनैतिक है और हम
तो अब सवाल है क्या हमें उन्हें ऐसी स्थिति में अनैतिक कहने का अधिकार है? क्या वे अनैतिक है? तो नैतिकता दो प्रकार की होगी। एक वो नैतिकता है जिसे हम कहते हैं कि ये स्थानीय है या सापेक्ष है, समाज सापेक्ष है, किसी विशेष वर्ग से सापेक्ष है, समाज के किसी वर्ग से सापेक्ष है। और दूसरी है जो सबके लिए समान, यूनिवर्सल है। ऐसे दार्शनिकों ने दो तरीके से उसको बांटने की कोशिश की, एक यूनिवर्सल एथिक्स है और दूसरी जो है वो क्या कहेंगे उसको, संदर्भ में इंडिजिनियस है या कुछ ऐसा अलग अलग। तो ये अलग अलग प्रकार की जो नैतिकताएं हैं ये समस्याएं पैदा करती है। यूनिवर्सल तो हम गए, हम सब नैतिक है तो ठीक है, ईमानदारी जैसे एक अच्छी चीज है ये सब तो मानेंगे आप, लेकिन जिसे आप संदर्भ विशेष की नैतिकता कहते हैं ये समस्या पैदा उससे होती है। सारी हमारे जो झगड़े पैदा होते हैं वो इससे होते हैं। अभी जैसे शारदा जी ने कहा कि एक वर्ग ये कह सकता है कि जो आपका विरोध इसे नष्ट कर दो, दुश्मन है, बुरा है, हम तो बुरा ही मान रहे हैं ना उसको, तो बुराई को दुश्मन है। हाँ, तो बुराई है तो उसको नष्ट किया जा सकता है, मतलब आप उसको मार करके भी नष्ट कर सकते, किसी बुरे व्यक्ति को आप मार डालिए तो वो नष्ट कर दिया आपको। लेकिन क्या हमारा उसे मार डालना नैतिक है? ये एक प्रश्न उठता है कि क्या हम जब उसको मार रहे हैं वो एक नैतिक काम कर रहे हैं? एक उसका उसका जो मानने वाला है जिस वर्ग से वो आता है वो कहेगा नहीं ये नैतिक है क्योंकि आप ऐसा हम कर सकते हैं, इसको पूरा खत्म करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा कहेगा कि तो ठीक है हमें भी वही करना पड़ेगा, जब वो कर रहे हैं तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए, वही करना पड़ेगा। तब सवाल ये उठता है कि अगर आप ये मानते हैं कि वो गलत है, एक मिनट के लिए हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि वो गलत है और इसलिए हम भी गलत हो जाएंगे, तब ये सवाल उठता है कि क्या तब आप अपने को मनुष्यता के या मनुष्य की परिभाषा के उस स्तर पर रख पा रहे हैं जिसमें आप ये मानते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक चीजें छोड़ दीजिए, मैं उसकी अभी बाद में बात करूंगा कि कुछ व्यवहार में क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन तब आप अपने को मनुष्य से नीचा ले आते हैं जब आप ऐसा कर रहे हो। तब प्रश्न इस बात का उठता है कि ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की नैतिकताएं हैं की, जो भिन्न भिन्न प्रकार की मूल्य प्रणालियों के समाज है, ये भिन्न भिन्न प्रकार की धार्मिक आस्थाओं वाले समाज है, ये भिन्न भिन्न प्रकार की भाषिक संरचनाओं वाले समाज है, अलग अलग तरह की भाषाएं ये सब, तो उनके साथ में हम कैसे रहें, रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? इतिहास क्या बताता है कि क्या हम रह सकते हैं या कि नहीं रह सकते? इतिहास में दोनों ही घटनाएं मिल जाएंगी, दोनों ही प्रकार की उदाहरण आप दे सकते हैं, लेकिन जीवन को जो चीज आगे चलाए रखती है, पूरी मनुष्यता के जीवन को जो चीज आगे चलाए रखती है वो नष्ट करना है या साथ रहना है? और साथ रहने के लिए जरूरी है कि जब तक आप दूसरे के प्रति आपके मन में सम्मान नहीं, मैं स्वीकृति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा आगे की बात कर रहा हूँ कि वो जो कुछ कर रहे हैं हम चाहे वो न कर रहे हैं लेकिन हम कहेंगे हम तुम्हारी आस्था का सम्मान करें, तुम अपने जीवन में शास्त्रा को निभा रहे हो हम उसका सम्मान करते हैं, जब तक वो हमको नष्ट नहीं करते वो तो फिर एक दूसरे तरह की ठीक हो जाएगी। तो जैसे हम तुम्हारी आस्था का सम्मान करते हैं वैसे तुम्हें भी हमारी आस्था का सम्मान करना चाहिए। तभी तो मैं ये मानता हूँ कि प्लुरलिज्म का मतलब ये होता है, बहुलवाद का मतलब ये होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रणालियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो धार्मिक आस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कुछ मूल्यों में किसी को हम अधिक महत्व किसी को कम महत्व देते हैं, इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की हायरार्कीज हैं, तो इन सारे के प्रति क्या हम एक सम्मान का भाव रखते हैं? मैं अगर अपने बचपन को याद करूं तो मैं एक ऐसे मोहल्ले में रहता हूं, अभी भी अपने वहीं रहता हूं, जो एक तरफ से तो मतलब आखिरी मकान है मेरा, उसके पीछे मुस्लिम मोहल्ला शुरू, तीन तरफ सामने की तरफ से हिंदू मोहल्ला से, बाई तरफ और पीछे की तरफ ये मुस्लिम मोहल्ला से होता है, और फिर आगे पूरे उनके लंबे चौड़े मोहल्ले हैं। मुझे अपने बचपन में ये याद आता है कि जब भी ताजिया होता था
तो अब हमारे को तो मतलब नहीं उसे, हमारी आस्था में उसका कोई स्थान नहीं, लेकिन हम उनको पूरी मदद उसमें करते थे कि वो कुछ जो कुछ करना चाहते थे अगर हमारे भी सहयोग हो सकता है। और मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि जब घर में कोई बच्चा पैदा होता था, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे जो विश्वास करते उनकी बात, जो बच्चा पैदा होता था उसको जब पहले ताजी का मौका होता था, मुहर्रम का मौका होता था, तो नीचे से उसको उसके नीचे से गुजारा जाता था, सभी जगह होता वो। हाँ। पर हमने तो अपने परिवार में भी और सब जगह देखा है। और मैं एक दफा वहां निकल करके, और ताजी का ही दिन था, और एक भेद चारदीवारी जो हमारी बच्ची होती है वो उससे निकल के बाहर जा रहा था, उनके गाँव से 10-15 किलोमीटर दूर गांव होगा, वहाँ से एक बहुत बूढ़ी महिला और दो तीन उसके साथ में एक दो बच्चे एक दो जवान महिलाएं, वो भागते हुए आ रहे हैं। तो ताजिया दफनाने के बाद तो कुछ है नहीं, तो भागते हुए आ रहे हैं और कह रहे ताजी बाबे को दफना दिया क्या, ताजी बाबे को। अब वो हिंदू थी, उनका और उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन ताजिया उसके लिए ताजिया बाबा। ये समाज अगर टिका रहा है तो इस तरह की भावनाओं और संवेदनाओं के आधार पर टिका रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं पूरा समाज एक, हम पूरा भारत में और पूरे विश्व में हम इसको फैलाने मतलब सोच सकते हैं पूरे विश्व के अंदर। तो अब ये जो फीलिंग है ये केवल स्वीकृति की फीलिंग नहीं है, ये सम्मान की भी फीलिंग है। जरूर करिएगा, तो ये एक सम्मान की भी फीलिंग है कि हम चाहे स्वयं उस धर्म में नहीं है लेकिन उस धर्म के जो मानने वाले हैं उनकी आस्था का हम सम्मान करते हैं कि वो अपने। ये आप जीवन के अन्य पक्षों पर भी बात को लागू कर सकते हैं, तो अधिक उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं, पर इसमें एक सवाल पैदा होता है और वो बड़ा एक खतरनाक सवाल है। वो सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन समाजों में टूरिज्म के नाम पर या अपनी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के नाम पर अगर उन समाजों में कुछ ऐसा भी है जो अमानवीय लगता है या मानव विरोधी लगता है, तो क्या हम उसका भी सम्मान करें, उस आस्था का भी? पहला सवाल तो ये है, हमें चाहे कुछ करना हमें नहीं है, लेकिन मन में तो बात उठती है कि हमें क्या कर, मतलब हमारी फीलिंग क्या होगी उस समय। दूसरा ये सवाल ये भी उठता है कि, और मैं इसको इसलिए मानवाधिकारों के सवाल से जोड़ के देखता इस पूरी प्रक्रिया को, मानवाधिकारों में एक सवाल उठता है जिसको हम सांस्कृतिक सापेक्षता का सवाल कहते हैं। एक तो मैंने आपसे कहा यूनिवर्सल चीज है, लेकिन दूसरा कल्चरल रिलेटिविटी या सांस्कृतिक सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं उसको, वो सवाल उठता है कि अलग अलग संस्कृतियों में जो मूल्य हैं या जो रिवाज है, तो मूल्य रिवाजों में ही रिफ्लेक्ट होते हैं, तो जो रिवाज है उनमें मान लीजिए कि कुछ ऐसा है जो अमानवीय लगता है, जैसे किसी जमाने में नरबलि, हमारे अपने मैं किसी जमाने में सती का रिवाज, अभी भी आप देखेंगे चाहे कानून ना मानता हो और उसका विरोध करता हो, बहुत से लोगों के जीवन में अस्पृश्यता ये सारी चीज़ें अभी भी हमको दिखाई देती है, ये सारे इस तरह का भाव दिखाई देता है। मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक का सवाल, चार शादियां अलग होने का सवाल, ये अनकंफर्टेबल सवाल है। तो ये हम तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लेकिन क्या हम बहुलता के नाम पर या बहुलवाद के नाम पर क्या करें इसके प्रति, इसके लिए कुछ बोले कि ना बोले, कुछ करें कि ना करें? मैं सरकार की वगैरह की बात नहीं कर रहा, समाज की बात कर रहा हूँ कि हमें उसके बारे में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। सभी लगेंगे नहीं तो गलत है, तो कहना तो चाहिए कम से कम, पर कहने का ढंग क्या हो ये अधिक महत्वपूर्ण। आप जब कह रहे हैं जो बात कह रहे हैं वो एक आक्रामक रूप से कह रहे हैं, उनको गलत सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, उनको अपमानित करने के लिए कह रहे हैं, या जैसा गांधी मानते थे कि जब वो सत्याग्रह या इस तरह की किसी
प्रक्रिया को अपनाते थे, तो मैं ये मानता हूं कि वो ये मानते थे कि मेरा ही प्रतिरूप है, वो ये नहीं मानते कि दूसरा है। हम जैसे प्रतिपक्ष या विरोधी या दुश्मन कहते हैं, वहां गांधी के लिए कोई दुश्मन था ही नहीं, या गांधी जैसे जो विचार को मानने वाले लोग हैं उनके लिए कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। वो कुछ और सोच रहा है जो गांधी की दृष्टि में या और किसी की दृष्टि में अनुचित है, ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? अगर आप उसको दूसरा मान करके व्यवहार करेंगे तो जाहिर है व्यवहार अलग होगा, पर आप जब ये व्यवहार करेंगे तो मेरा ही प्रतिरूप है, मैं ही हूँ, वो दूसरा नहीं है। लेकिन जैसे मेरे परिवार में, मेरे घर में कहीं कुछ गलत हो जाता है तो मैं उसको कैसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ? मेरा बेटा कुछ गलत करता है, भाई कुछ गलत करता है, पिताजी कुछ गलत करते हैं, तो क्या करता हूँ? क्या मार देता हूँ, निकाल देता हूँ घर से, या वो मुझे निकाल देते हैं? ये मानते हुए कि गलत है, वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं जितना संभव, कोई हो सकता है कोई ठीक हो कोई ना हो, पर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ, गांधी की दृष्टि से ये बात मानता हूँ कि गांधी ये मानते थे कि इसलिए किसी के भी प्रति अगर किसी में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं अगर उसको ठीक करने के लिए कुछ कर सकता हूँ और नहीं कर रहा, तो बहुलवाद के नाम पर एक समस्या ये पैदा होती है। तो इसलिए और ज्यादातर झगड़े जो है शादा जी का इसलिए वो गलत मान रहे हैं उसको, और दूसरा है तो दुश्मन है, इस तरह से नष्ट कर देना चाहिए। वो गांधी उसे नष्ट नहीं करते, बल्कि उसके अंदर जो बुराई है या जो उन्हें गलत लगता है उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये मानते हुए नष्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है। ये एहसान नहीं है उसको, ये मनुष्य होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि अपने ही आत्म का एक जो दूसरा रूप उनको दिखाई दे रहा है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है, और इसीलिए वो ये मानते हैं कि ये आप स्वयं कष्ट उठाकर ही कर सकते हैं, सेल्फ सफरिंग के द्वारा ही ये परिवर्तन हो सकता है, मार के नहीं हो सकता, वो मानेगा नहीं। तो विनोबा इससे आगे भी एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि केवल इतना ही नहीं, उसमें दबाव नहीं होना चाहिए। अगर वो दबाव है ना आपके, इसलिए मान लिया उसने कि मेरे मर जाएगा, चलो मान लेता तो वो ये मानते हैं कि फिर बदला नहीं होगा, तो इसलिए निरंतर उसके साथ एक संवाद करते रहने की आवश्यकता होती है। वो आपसे आप में भी वो ऐसा ही गलत मान सकता है, मतलब यदि कि एक तरफ सब ठीक ही ठीक है दूसरी तरफ सब गलत ही गलत, तो वो आप में भी कुछ गलत मान सकता है, आप उसमें कुछ गलत मान सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज के आधार पर उस संवाद की आवश्यकता, क्योंकि सांस्कृतिक सापेक्षता यूनिवर्सल वैल्यू से बड़ी चीज नहीं है। जैसे मनाशी और नरबली हम नहीं अलाउ कर सकते हैं, या सती को हम नहीं अलाउ कर सकते हैं सांस्कृतिक सापेक्षता, या नहीं किया गया, कानून ने नहीं किया उसकी बात नहीं करो, समाज में भी धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं ये ठीक नहीं, ये आजकल से बच्चों का विवाह हम नहीं करते जल्दी से, विडो मैरिज अलाउ करते हैं, ये सारी चीज़ें समाज में जो थी गलत ही थी ना, लेकिन धीरे 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 एक परिवर्तन इस दृष्टि से होता है। तो ये मैं मानता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप सम्मान पूर्वक संवाद की जो प्रक्रिया है उसको अपनाएं, और ये समझने की कोशिश करें कि वहाँ ऐसा क्यों है। मैं अभी कुछ अर्सा पहले जब ये हिंसा वगैरह में काम कर रहा था, तो मैंने एक मित्र से कहा कि इस्लाम में अहिंसा पर एक व्याख्यान दो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में, जब था तो चौंके, इस्लाम में ऐसा क्या बात कर रहे हो, ये यार कैसे संभव हो सकता है? तो मैंने कहा हाँ हो सकता है, अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो, बाकी तो आपके अहिंसा नहीं है, हम कौन सा मांस नहीं खाते हैं, हिंदुओं में भी खाते हैं हम, कौन हमने कौन से युद्ध नहीं किए हैं, हमने कौन से विरोधियों को मारा नहीं है, सब तो हमने किया है। तो इसलिए वहाँ भी क्या अभी आप हमारे तो धर्म में ये कहा गया है जीव हत्या मत करो, ये पदस्थ श्याम जुड़ाएंगे, क्या वहाँ भी ऐसा कहा गया कि नहीं कहा गया? उन्होंने फिर वो आए और कुछ बातें मैंने कही उनको, उसकी विस्तार में नहीं जा रहा, तो उनका हाँ इस दृष्टि से तो संभव हो सकता है। तो फिर उन्होंने बहुत अध्ययन किया उसका, और फिर आके हमारी यूनिवर्सिटी में एक सप्ताह तक व्याख्यान दिया उस विषय पर। अब आप ये देखिए कि ये कब संभव है, जब आपने उसके प्रति समझने की कोशिश की, और फिर जहाँ प्रॉब्लम है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, तो
उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ गांधी जी का। गांधी जी के आश्रम में आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस आश्रम के गेस्ट हाउस में मांस आ सकता है? सोच भी नहीं सकते। बादशाह खान जब आते थे तो बुलाया मंगाया जाता था। जब भी तो इसलिए कि उनकी उसमें है तो उनको नेहरू जब जाते थे उसी गेस्ट हाउस में ठहरते थे तो बिल्कुल आधुनिक किस्म का नाश्ता वगैरह उनके लिए होता था। आश्रम में जो सादा नाश्ता बनता था वो नहीं, ऐसा नेहरू का नाश्ता करते थे ऐसा नाश्ता होता था। और आश्रम के कुछ लोग कभी कभी नेहरू के साथ नाश्ता करने जाते थे। इतना सादा नाश्ता मिलता है तो कभी कभी होता है मन भी थोड़ा सा कुछ करें, तो नेहरू आ गए हैं तो कुछ लोग उनके साथ नाश्ता करते, एक दो लोग ऐसे भी थे। तो लेकिन ये गांधी ऐसा क्यों करते थे, क्या कारण? कारण सिर्फ यही था कि जब तक उनकी कोई ऐसी चीज उनको उनके मौलिक उस पर आघात नहीं करती है अस्तित्व का हमारे, तब तक हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जब तक वो अन्य लोगों के लिए अहितकारी नहीं है तब तक हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और उसका सम्मान करने का तरीका यही होता है कि आप उनको स्वीकार करें, स्वीकार करने के बाद आप जो कुछ चाहते हैं कि इसमें ये चीज़ और होनी चाहिए, ये चीज़ और कर सकते, तब तो ये संभव है कि हो जाए, नहीं तो आपकी सुनेगा ही नहीं। अगर आप दुश्मनी के भाव से बोलेंगे, अगर आप विरोध के भाव से बोलेंगे, अगर आप उसको पराजित करने, जैसे डिबेट में होता है ना हमारे टू स्कोर द पॉइंट, मतलब हम ये कहते हैं कि बस ये इसी तरह से अपनी बात सिद्ध कर देंगे, अगर आप उस दृष्टिकोण से बोलेंगे तो अगला भी उसी तरह बोले, वो विरोध करेगा। बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मैं कह सकता हूँ थोड़ी देर बाद वो आपका आर्गुमेंट सुनना बंद कर देता है। फिर आप जो कुछ कहते हैं वो आर्गुमेंट नहीं सुनता, उसके आर्गुमेंट के अंदर नहीं जाता, वो फिर घूम के वापस अपना वही आर्गुमेंट लाएगा जो वो पहले दे रहा होता है। तो ये इसलिए एक जरूरी चीज है। एक मार्शल रोजनबर्ग एक विचारक हुए, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, आपका नाम ही नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, उसमें वो बताते हैं कि आपको अहिंसक तरीके से संवाद कैसे करना चाहिए। आक्रामक तरीके से बोलेंगे तो प्रॉब्लम है, दूसरे को गलत सिद्ध करके अपना पॉइंट रखेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है। आप जो अपना पॉइंट रखेंगे तो जाहिर है कि आप असहमत है, उसमें अलग तुम गलत कह रहे हो ये कहने की आवश्यकता ही नहीं। आप ये कह सकते हैं आप इस चीज को थोड़ा और तरीके से भी सोच करके देखिए, वो दूसरा तरीका होता है। जजेज में क्या होता है, कोर्ट में अगर आपने कभी देखा हो तो वकील जब बहस कर रहा होता है और जज एग्री नहीं कर रहा होता तो ये नहीं कहते आप समझे नहीं, कोई वकील जज को ये नहीं कहेगा आप समझे, जाहिर है वो सही समझ रहा है को, पर वो ये नहीं कहेगा आप समझे नहीं, वो कहता नहीं मिलो मैं जरा अच्छा मैं इस बात को थोड़ा दूसरे तरह से पेश करता हूँ। तो ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का तरीका है, वो अपनी मजबूरी में करते हैं, इसको सिद्धांत की तरह मूल्य की तरह भी हम ले सकते हैं, व्यवहार की तरह भी ले सकते हैं अपने जीवन में, कि कैसे हम दूसरे के साथ में संवाद करें। अगर आप संवाद करेंगे लगातार उसकी कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूँ कि विरोध का भाव संवाद समाप्त करता है। संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम असहमत होते हुए भी हम इस बात के लिए सहमत होते हैं कि हम लगातार बात करते रहे कि इसके ऊपर विचार करते रहे कि इसके ऊपर और अभी कुछ परिवर्तन हो रहा है ठीक, उसमें भर्ज दें। इस बहुलवादी ये राजनीति में भी होता है, अभी तो समस्या ज़्यादा वहाँ पर है, राजनीति में भी होता है। विरोधियों के प्रति कैसी भाषा इस्तेमाल की जाती है, कैसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा तय सभी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी में नहीं कह रहा, सभी में ये असहिष्णुता है कि वो और कुछ भी तरीके से उनको सफलता प्राप्त कर लेनी है, चाहे उसको कुछ भी कह देना पड़े बोलते। तो हमारे यहाँ पहले भी था जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, उन दोनों में भी विरोधी पार्टियां थी, बोलती थी और ऐसा बोलती थी, एक लोहिया जी को छोड़ के बाकी सब समान पुरुष बोलते हैं। हम लोहिया जी के एक तरह से हो रहे हैं, लेकिन उनकी बात हमको कभी अच्छी नहीं लगती थी, ये क्यों भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास बहुत बड़े तर्क हैं जो सरकार जो कुछ कर रही है उसके विरुद्ध रखने के लिए, तो आप ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन अब हमारी तो कौन सुन सकता था बच्चे के, और बाकी मामलों में हम बड़े प्रभावित हो गए। तो प्रश्न सिर्फ इस बात का उठता है कि आप क्या सम्मानपूर्वक संवाद कर सकते हैं विरोधी से, या और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, जो भी ये मानता है कि ऐसा करना चाहिए उसी को तैयार होना पड़ेगा। अभी जब मैं आपके इस्लाम की बात कर रहा था तो एक और पॉइंट उन्होंने अभी भी अभी किसी ने कहा जिहाद सब इस्तेमाल किया, देखिए उसको जिहाद करेंगे। अब देखिए जिहाद का वास्तविक अर्थ क्या,
हमने मान लिया जिहाद का अर्थ है जो दूसरे धर्म को उसको मारो, उस पर अधिकार करो मार कर। इस्लाम की दृष्टिकोण से जिहाद जो है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं जिहादुल अकबर, अकबर का मतलब महान, अकबर भाषा का जिहाद नहीं, जिहादुल अकबर। दूसरे कहते हैं जिहादुल असगर, असगर में छोटा जिहाद। तो एक बड़ा जिहाद है, महान जिहाद है, एक सामान्य जिहाद। अब जो महान जिहाद है वो क्या है? वो है अपने अंदर जो कमजोरियां हैं, अपने अंदर जो बुराइयां हैं, उनके विरुद्ध लड़ना। इसको उन्होंने कहा है जिहादुल अकबर। आप देखिए महावीर को महावीर क्यों कहा? और उन्होंने क्या लड़ाइयां लड़ी थी कि क्या किया? असली ये था कि उन्होंने अपने अंदर की सारी चीजों पर विजय पाई, इसलिए जिन कहलाए, इसीलिए महावीर कहलाए, वीर कहलाए। आपके हमारे वीर का तो मतलब होता है कि जो जैसे युद्ध जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन उनको महावीर कहा गया। तो इसी तरीके से जो जिहाद अकबर है वो उन बुराइयों के विरुद्ध जो आपके अपने अंदर है उसके विरुद्ध लड़ना, उसको जीतना, ये है जिहाद अकबर। और जिहाद असगर के लिए वो कहते हैं कि जो आप पर अत्याचार हो रहा है, अगर कोई आदमी आप पर अत्याचार कर रहा है या कोई सिस्टम आप पर अत्याचार कर रहा है तो उसके विरुद्ध लड़ना। और उसमें भी वो ये कहते हैं कि जहाँ तक संभव हो अहिंसक तरीके से लड़ना, जहाँ तक संभव, आपको हिंसा नहीं करनी उसके, असंभव ही हो जाए मान ली तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए जैसे करते हैं उस तरह की हिंसा वो अलाउ करते हैं, लेकिन आक्रामक हिंसा अलाउ नहीं करते हैं। दोनों प्रकार के ध्यान। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करते, हमने मान लिया कि ध्यान का अर्थ ये, तो हमने समझने की कोशिश नहीं की। हम मैं भी अपने बचपन में यही मानता था, बल्कि जब मैं इतिहास में बी ए तक एम ए कर रहा था, ये मेडिकल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हम यही मानते थे। पर पॉलिटिकल लोग और समय के बाबर जैसे लोगों ने इसका फायदा उठाया, इस धारणा का कि जिहाद का मतलब ये है। तो ये जो ये कब हुआ? क्योंकि हमने दूसरे एक पक्ष को समझने की कोशिश नहीं की, हमने एक अपने मन में एक परसेप्शन बना लिया कि ये है इसलिए इसके साथ ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहली जरूरत ये होती है कि इस बहुलवाद के अंदर अन्य को समझने के लिए आप कितने तैयार हैं, और वो समझना बिना सम्मान के नहीं होता है, वो उसी भावना में जाकर के समझना होता है। लेवी स्ट्रॉस एक बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि आप उनके जैसा होकर ही उनको समझ सकते हैं। आप दूर से ऑब्जेक्टिव होकर के समझेंगे तो कुछ अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, आपको वैसा उस फीलिंग में जाना पड़ेगा। और इसी बात को कुमार स्वामी हमारे यहाँ कहते हैं कि आप किसी समाज को आउटसाइडर की तरह नहीं समझ सकते, आपको इनसाइडर होना। तब तो इनसाइडर होना क्या, आप एक हिंदू कैसे मुस्लिम इनसाइडर हो सकता है, एक मुस्लिम कैसे हिंदू इनसाइडर हो सकता है? इनसाइड होने का मतलब है कि उसको उनकी भावना से देखने की कोशिश की जाएगी क्या है, और तब आप फिर उससे जो बातचीत करेंगे सहमत से, उनके अंदर भी 50 फिरके है ना, 50 तरह के मतभेद उनके अंदर भी है। सारा इस्लाम एक नहीं है, सारा हिंदू एक नहीं है, सारी क्रिश्चियनिटी एक नहीं है, 50 तरह के मतभेद उनके अंदर भी है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप किस कारण से ऐसा कह रहे हैं, और उस कारण में, और जिसे आप सार्वभौमिक मूल्य कहते हैं, यूनिवर्सल वैल्यू कहते हैं, उसके बीच में क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर रिश्ता नहीं है तो हम ये समझाने की कोशिश करेंगे, देखिए ये इस मूल जो मनुष्यत्व तो है उसके विरोध में ही चीज जा रही। तो ये मैं मानता हूँ कि ये यही एक अहिंसक तरीका है जो स्वयं गांधी अपनाते थे। गांधी ने जितने धर्मों का अध्ययन किया, जितने समाजों का अध्ययन किया, किस तरीके से कितने कितने लोगों, एक लवणम थे आंध्र प्रदेश में, गांधी के बड़े लड़के से मेरी भेंट हुई, वो बहुत ही नास्तिक थे, तो बहुत सारे थे नास्तिक लवणम के। और गांधी ये मानते थे एक सत्याग्रही तो वही हो सकता है जिसकी ईश्वर में आस्था हो। ईश्वर का मतलब वहाँ सत्य पर्सनल वर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी मेरी किसी में आस्था नहीं, सत्य को ईश्वर कहते हैं तो सभी, लेकिन उन्होंने कहा लवणम ने मेरी किसी में आस्था नहीं, नास्तिक, लेकिन मैं सत्याग्रही हूँ। गांधी ने कहा हो सकता है। तो ये समझने की चीज है हमको कि किस तरीके से आप एक दूसरे व्यक्ति के विचार को सम्मान देते हैं, उसको समझकर सम्मान देते हैं कि
क्या मत करके जब ठीक है सम्मान देना है तो साथ ऐसा उसको समझ करके सम्मान देते हैं, उसके प्रति पूरी सहानुभूति एम्पैथी के साथ सम्मान देते हैं और उसको जांचते हैं यूनिवर्सल वैल्यू की कसौटी। अगर कुछ गड़बड़ी हमको लग रही है तो उसे हमें अपने हिसाब से नहीं देखना है कि हमारे यहाँ ऐसा है तुम्हारे यहाँ ऐसा, हम सही है। हमें अपने को भी और अन्य को भी सम्बन्ध कहते हैं उसे यूनिवर्सल वैल्यू की कसौटी पर देखना है, वो कहाँ ठीक है और अगर वो ठीक नहीं लगता है तो उससे बात करनी, उससे संवाद करना है, ये एकमात्र तरीका है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर बहुलवाद जीवित रहा है जो है अभी तक भी हमको दिखाई देता है तो बड़ी हद तक उसकी उसका कारण ये है कि हमने सम्मान तो रखा लेकिन समझने की कोशिश कम की। समझने की कोशिश करते तो शायद और ज्यादा गहराई में जाकर के हम और ज्यादा गहराई में जा सकते थे और जो छोटी मोटी समस्याएं बीच बीच में पैदा होती रहती शायद कम हुई होती। देखिए मनुष्य जहाँ समस्याएं कुछ न कुछ तो रही तो हमेशा नए नए संदर्भ में पैदा होती हैं, पर उन्हें हम कैसे टैकल करें, कैसे उसके साथ में हमारा क्या व्यवहार हो, उन समस्याओं के प्रति सोच क्या हो, उनके समाधान के लिए किन मूल्यों का हम आधार बनाएं, क्योंकि कोई भी समाधान अगर बिना मूल्य के करते हैं तो वो समाधान कभी वर्केबल नहीं होता, काम नहीं करता है। आप ये देखेंगे दुनिया में कितनी हिंसक क्रांति हुई और वो कहते हैं हिंसा हिंसा के सवाल पर कि देखिए हम तो सफल हो गए हमने क्रांति की सिस्टम बदल दिया, लेकिन वो सिस्टम तभी तक बदला रहा जब तक उस सिस्टम के पीछे एक हिंसा की ताकत रहेगी। जो भी हिंसक क्रांति करता है वो उस क्रांति की सफलता को के लिए लगातार हिंसक बने रहता है। आप चाहे रूस की क्रांति देखिए, चाइना की देखिए, फ्रांस की देखिए, अमेरिका किसी की देखिए, वो लगातार आपको हिंसा की देखिए, हिंसा और हिंसा के बीच जब टकराहट होती है तो जीतता कौन है? आपका कॉज नहीं जीतता है, जो अधिक हिंसक हो सकता है वो जीतता है। तो हिंसा और हिंसा की लड़ाई में हिंसा ही जीतती है, आपका उद्देश्य आपका प्रयोजन आपका मूल्य नहीं जीतता है, चाहे आप सही मूल्य पर भी जा रहे हैं। अगर रूस की क्रांति समता ही स्थापित करना चाहती थी तो मूल्य तो सही था, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई उसने उस मूल्य को दूषित कर दिया। तो इसलिए हमें यह समझना है कि हम जिस बहुलवाद की बात हम करते हैं या जिस मैंने कहा कि बहुलवाद अहिंसा का एक रूप है, अहिंसक समाज का अहिंसक व्यवहार का एक रूप है, सब एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ फर्क उनमें रहेगा। यह असंभव है कि पूरी दुनिया एक कुटुंब तो हो सकती है, हमारे कहते हैं वसुदेव कुटुंब, पूरी दुनिया कुटुंब हो सकती है, पर एक कुटुंब में कितने लोगों के भिन्न भिन्न विचार होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके होते हैं, उन सबको एक कौटुंबिकता में हम समाहित करते हैं और फिर भी आपस में साथ में रहते हैं। और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि इतिहास में तो हम इतिहास ऐसा पढ़ते हैं तो युद्धों का इतिहास है ना। गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हिंद स्वराज में कही कि दरअसल इतिहास की दृष्टि ही गलत है। हम जब इतिहास की जो सहज जीवन की धारा में जब बाधा पैदा होती है तब हम उसको इतिहास मानते हैं, लेकिन करोड़ों लोग परिवार इतने लंबे समय से एक साथ रह रहे होते हैं, एक साथ रह रहे हैं, जीवन चल रहा है, ये भी इतिहास है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि इसमें बाधा कब पैदा किसने बाधा पैदा की और फिर उसी को हम उसकी महानता और उसकी निकृष्टता जो कुछ जी उसकी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा ये गलत है, इतिहास जो है वो हमेशा मेल जोल से आगे बढ़ा है और गांधी जी उसके लिए प्रेम इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एम एन रॉय उसके लिए सहकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा वो इमोशनल नहीं होना चाहते बात हुई कॉपरेशन, वो कह रहे कॉन्फ्लिक्ट नहीं कॉपरेशन से समाज। और दूसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है एम एन रॉय ने, उन्होंने कहा कि विचारों का विकास असहमतियों से होता है। बहुत बड़ी बात, असहमति होगी तभी आगे सोचेंगे आप, तो इसलिए असहमत लोगों को आप समझिए को विचार के विकास में सहायक लोग हैं, वो बाधक नहीं। बहुत ही मेरे ख्याल से एक सवाल मैं रखना चाहती हूँ यहाँ पर, वो ये है कि किसी के कहने से किसी का सम्मान नहीं होता। आपने आप बच्चों से कहते हो उसका सम्मान करो, कहते हैं इज यूजलेस पर्सन, इसका क्या सम्मान करें, तो इसकी इसमें हमें थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा। हमें पहले कुछ तरीके जिंदगी के ऐसे अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि कोई आए तो नमस्ते करो,
फिर बाद में उसको समझ में आता है कि नमस्ते क्यों करते हैं। लेकिन कई इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि इंसान कई बार सोच के समझ के फिर काम करता है, कई बार पहले काम करना पड़ता है फिर सोचा जाता है। तो इस समय जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि पहले ऐसा कल्चर हमें ईजाद करें कि आप किसी से बात करने के पहले ये देखो कि वो बात क्या कह रहा है, ये आपको कहना पड़ेगा। देखिए इसका मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ कि करीब करीब 7-8 शताब्दियों तक भारत में एक परंपरा थी कि जो शास्त्रार्थ होता था, जैसे कि बहुत ही ये युद्ध खाली हिंदू मुसलमान के युद्ध नहीं है, पहले एक वेदांती और एक बौद्ध, तो उनके बीच में तो बिल्कुल विरोध का पूरा विरोध था, मगर उनका जो संवाद होता था उसमें बौद्ध को पहले वेदांती की दृष्टि से वेदांत की बात को कहना पड़ता था, पूर्व पक्ष होकर के फिर आप अपनी बात कहिए। तो ये जो इंटरफेथ डायलॉग जिसको गांधी जी ने बहुत महत्व दिया, और मुझे लगता है कि जिस चीज को मैं अभी सोचती हूँ कि हमें करना चाहिए कि अगर हम जैसे अभी किसी ने कहा अच्छा आप आरएसएस वालों से बात तो करिए, उस बात करना संभव हो जाएगा। आरएसएस वाले कहते हैं ये इनसे बात क्या करें, ये तो समझते ही नहीं, तो उनको बात करना असंभव हो जाएगा। तरीका ये कि बात करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, जैसे कि हमको बैठना ही पड़ता है एक गोले में तब जाकर के हमें चेहरे दिखते हैं। तो इस समय जो जरूरत है वो सम्मान उपजेगा, पहले सम्मानजनक व्यवहार कीजिए। व्यवहार अभी इस समय एक प्रतिष्ठित चीज है, और उसके जो कल्चर इवॉल्व करना है ये स्कूल से हो सकता है, ये बचपन से हो सकता है, ये जिस भी संस्था में है उससे हो सकता है। पहले व्यवहार को लाइए तो फिर वो विचार प्रतिष्ठित होगा, विचार किसी के आग्रह करने से प्रतिष्ठित नहीं होगा। क्योंकि जब हम मुझे जब आप बता रहे थे इसकी तासीर की बात और ये सब, तो मैं मुझे बहुत याद आया कि मेरे पिताजी जो कि इस समय मेरे ख्याल से अगर होते तो शायद 125 साल के होते, मतलब उनके साथ पढ़ने वाले उनके तीन बहुत बहुत ही क्लोज दोस्त थे, तीनों भाई थे, जुल्फिकार अली जी, इफ्तिकार अली जी और गफ्फार अली जी। गफ्फार अली जी ठेठ कम्युनिस्ट थे, और जुल्फिकार अली जी एक पोएट थे, वो पोइट्री बात करते थे, और इफ्तिकार अली जी थे वो बड़े नेशनलिस्ट आदमी थे। ये तीनों भाई थे, और मेरे फादर उनके बहुत उनको पसंद करते थे, और कभी कदा शायद उन्होंने उनके यहाँ की बनी हुई कुछ चीज़ें खाई जिससे वही ईद के वक्त होती है या कुछ होती है। तो हम मुझे कहते थे कि उनसे खाना बनाना सीखो। तो मेरी मदर ने इफ्तिकार अली जी और उनके घर, उन्होंने कहा किसको पूछूं इन तीनों भाइयों में से किसकी बीवी को बुलाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप आए और हमें बताएं। उन्होंने कहा कि आप तो हमारे घर भी नहीं खा सकते क्योंकि हमारे बर्तन जैसे होते हैं, हम तीनों आएंगे आपके घर। और हमारे घर आके उन्होंने उसी कायदे से जैसे मेरी माँ खाना बनाती थी, पहले हाथ धोया, फिर उन्होंने बर्तन को पानी से खंगाला, फिर चप्पल उतार के आराम से बैठ करके बिल्कुल उसी कायदे में उन्होंने हमें 2-3 चीज़ें बनानी सिखाई, और उड़द की दाल कैसे बननी चाहिए, और कैसे वो पतली रोटी उल्टे तवे पे पहली बार शायद हमारे परिवार में बनी। तो एक रिस्पेक्ट का भाव हम सब में, मेरे भाई में, मुझ में, जो हमारे पर बैठे थे, ये भाव हुआ कि कितना सुंदर, कितना हुनर है। तब हमें पता चला कि उनकी सिलाई का हुनर तो हमसे भी 10 गुना ज़्यादा था, तो हमें वो भी सीखा हमने उनसे। तो जब ये एक किस्म का आदर हुआ कि ये जिन चीज़ों को हम वैल्यू करते हैं वो तो उसको और भी वैल्यू कर रहे हैं, तो सहज रूप में सम्मान जगा। इस सहज रूप में सम्मान जगा ये व्यवहार से पहले, और फिर मैं ये सिर्फ कह रही थी कि ये संभव है। और क्योंकि हम लोगों में भी जिसको आप कह रहे थे कि हम वर्ग जो है वो हम जो है उसके अंदर भी 25 वर्ग हैं,
उनमें भी आपस में उतनी हिंसा है। ये है कि कब ये मरे तो फिर मैं अपनी बात कहूँ। तो इस तरह के विचार तो किसी भी परिवारों में है। गांधी जी के खुद के विचारों में इतना परिवर्तन आया और हर बार उन्होंने कहा मैं गलत था। उन्होंने एक ही जगह पे वो फेल हुए खाली अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि वहां उनको हमेशा ये ख्याल था कि मैं सही हूँ और ये गलत है। हम जिसको हम गलत कह रहे हैं उसको हम ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि सही की खोज करते रहना ही धर्म है। ये वो कह रहे थे, सही की खोज करते रहना धर्म है। और जब तक हम सब सतत खोजेंगे नहीं तब तक हमारा कोई इसमें से हमारा उपचार नहीं हो सकता। तो ये जो विचार है कि हम सब सही की खोज कर रहे हैं, ये एक किस्म से धर्म का, क्योंकि उनके हिसाब से धर्म व्यक्तिगत जो नीति है वही राजनीति होनी चाहिए। इस पे सारा झगड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि कोई 70 जनों को मार के आए तो हम उसको परमवीर चक्र दे देते हैं अगर वो विदेशी है, और हमारे यहाँ अगर कोई किसी को मारे तो उसको सूली पे चढ़ा देते हैं। तो मारना बुरा है क्या? मारना तो बुरा नहीं है, क्योंकि हमने उसके लिए दूसरा धर्म है और मेरे लिए दूसरा धर्म। तो ये एक विचार है जैसी चीज है जो कि आज शायद गांधी जी के को याद करके हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं।